गुड मॉर्निंग डियर क्लास फोर्थ स्टूडेंट, वी आर इन इंग्लिश क्लास एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. करंटली वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज ऑफ लेसन 7, ए फैमिली ऑन द रूफ. वी आर डूइंग द सी सेक्शन ग्रामर एंड टूडे आई विल डू सी 2. वी आर वॉट इज सेइंग हियर सी. C2. Write the where necessary. Write 0 if no article is required. One blanks. Salesman describe a features of dash computer but did not mention dash price. What will dash weather here be like in dash October? Time and dash tight wait for no man. Fourth, dash player who did not listen to dash coach was dropped from team. And five, dash stitching and dash saving are not taught at dash school. तो इसे हम लोग देखते हैं. देखिए इसमें फर्स्ट है ब्लैंक्स. सेल्समैन डिस्क्राइब ब्लैंक फीचर ऑफ डैश कंप्यूटर बट डिड नॉट मेंशन ब्लैंक्स प्राइस. तो फर्स्ट में हम ए फिल कर देंगे. वैसे तो इसमें सिर्फ ये इंडिकेट किया जा रहा है कि द फिल करना है, लेकिन आगे दिया हुआ है जीरो दीजिए. वहां जीरो लिखना है जहां आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है. तो यहां आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है ये कहा जा रहा है, तो इसलिए हम ए या एन जहां जरूरत होगा हम दे देंगे. ठीक है, तो यहां क्या पहले फिल होगा ए सेल्समैन डिस्क्राइब द फीचर ऑफ, यहां ए आ जाएगा ए कंप्यूटर बट डिड नॉट मेंशन द प्राइस. उसके बाद टू में देखिए व्हाट विल द वेदर, व्हाट विल द वेदर. इसमें टू में पहला में भी द आएगा, पहले में भी द आएगा और उसके बाद व्हाट विल द वेदर हियर बी लाइक इन द अक्टूबर. इन दोनों में टू के द लगेगा. थर्ड है डैश टाइम एंड डैश टाइट वेट फॉर नो मैन. दोनों में द लगेगा, दो ब्लैंक्स है दोनों में द लगेगा. फोर्थ है प्लेयर हु डिड नॉट, यहाँ हम ए लगाते हैं. वैसे किसी स्पेसिफाइड प्लेयर के लिए ही कहा जा रहा है तो द भी लगेगा, लेकिन यहाँ हम ए लगाएंगे. ठीक है, ए भी लग सकता है द भी लग सकता है. ए प्लेयर हु डिड नॉट लिसन टू, एक प्लेयर जो लिसन के लिए नहीं सुना किसका, कोच का. तो इसमें दूसरे ब्लैंक्स में द लग जाएगा. पहले ब्लैंक्स में ए, दूसरे ब्लैंक्स में द और तीसरे ब्लैंक्स में टीम. सेंटेंस होगा ए प्लेयर हु डिड नॉट लिसन टू द कोच वॉज ड्रॉप फ्रॉम द टीम. इसमें ब्लैंक फिफ्थ में ब्लैंक्स है स्टिचिंग एंड ब्लैंक सेविंग आर नॉट टॉट एट ब्लैंक स्कूल. यहाँ स्टिचिंग, यहाँ दोनों में हम ब्लैंक्स देंगे. दो ब्लैंक्स जो है स्टिचिंग ब्लैंक्स सेविंग दोनों में हम जीरो जीरो डाल देंगे और लास्ट वाले में द लिखेंगे. स्टिचिंग एंड सेविंग आर नॉट टॉट एट द स्कूल. इस तरह से ये आपका C2 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट डे हम इसे आगे बनाएंगे. थैंक यू.